हेलो फ्रेंड्स, वन सेकंड, वेलकम बैक इन माय ट्यूटोरियल। मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिट एमएम कोर्स हेल्प विजुलिक। दोस्तों, आप में से कई सारे बच्चे देखते हैं कि बी मॉड्यूलर की जॉब बहुत इजीली अवेलेबल होती है और बहुत से जगहों पे अवेलेबल होती है। अब वो सोचते हैं कि बी मॉड्यूलर की जॉब तो है, बट इसके लिए मैं तैयारी क्या क्या करके जाऊं, मतलब क्या क्या सीख के जाऊं बी मॉड्यूलर के जॉब के लिए। तो आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे बी मॉड्यूलर के जॉब के लिए। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और समझते हैं बी मॉड्यूलर के जॉब। भाई, बी मॉड्यूलर सबसे बेस्ट और इजी प्रोफाइल है बीम में एंट्री करने के लिए। बीम ड्राफ्टमैन भी है, बट बीम ड्राफ्टमैन से कहीं ज़्यादा बेटर है बीम मॉड्यूलर। ठीक है, अब बीम मॉड्यूलर को क्या क्या सीख के जाना चाहिए जिससे कि उसका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो भाई, बीम मॉड्यूलर को जो सबसे ज़्यादा नीड पड़ती है वो पड़ती है एलिवेशन की, सेक्शन की और प्लान की। ये तीन चीज़ें उनका सबसे पहला काम है। तो प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, इन तीनों की फुल प्रैक्टिस कर लेना। और ये तीनों की प्रैक्टिस किस में करना? रैबिट के अंदर करना भाई। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप इंटरव्यू जा रहे हैं तो आपको बीम 360 के बारे में पता होना चाहिए। आप बोलोगे सर ये बीम 360 क्या होता है, ठीक, जानना चाहते हो तो बता देता हूँ बीम 360 क्या होता है। इससे आप अपनी मॉडलिंग की जो फाइल है उसको शेयर कर सकते हो रेवी स्ट्रक्चर वाले से, मास्टर प्लान बना के रेवी स्ट्रक्चर को शेयर कर सकते हो। रेवी स्ट्रक्चर वाला क्या करेगा, उसके अंदर डिटेलिंग कर देगा, वो शेयर कर सकता है रेबिट एमएपी वालों को। तो आप एक तरीके से रोटेट कर सकते हो अपने फाइल को, प्लस आपकी फाइल आप अपने घर से एक्सेस कर रहे हो और उसी फाइल पर मैं भी काम कर सकता हूं अगर हम लोग बीम 360 के माध्यम से कनेक्ट हैं एक दूसरे से। तो इसके बारे में फुल जानकारी ले लेना। बहुत से यूट्यूब पे वीडियोस हैं, मैंने भी अपने जो मेरा बीम का पूरा क्लास है उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है। अगर बीम का आपने क्लास नहीं लिया, अगर आपको बीम में इंटरेस्टेड है तो एजुकेशन महाकुंभ चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है, जाके ऐप पर देख लो और सीख लो। मुश्किल से 3000 रुपीज़ में पूरा बी में लगभग 6 to 7 सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा फुल लर्निंग है। उसके बाद जो आपको आना चाहिए वो पॉइंट क्लाउड के बारे में पता होना चाहिए कि भाई पॉइंट क्लाउड क्या होता है। आज के टाइम में बहुत लोग पूछ रहे हैं उससे कनेक्ट कैसे करते हैं हम लोग पॉइंट क्लाउड को, उसका यूज क्या क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लो। कोलेब्रेशन, कोलेब्रेशन मतलब आपको एक दूसरे से कैसे कोलेबरेट करना है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 360 बीम 360 नहीं है, उसका अकाउंट नहीं है, तो आप लोकल नेटवर्क कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो कोलेब्रेशन के अंदर आता है। तो वो भी आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से कि भाई हम इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको LOD यानी लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो अब लेवल ऑफ डेवलपमेंट 100 LOD, 100 LOD, 200 LOD, 300, वैसे मॉड्यूलर का काम LOD 300 तक ही होता है, बट जानने आपको सारा कुछ चाहिए LOD 300, 350, उसके आगे 500 तक पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए LODs के बारे में। 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D के बारे में तो बहुत वीडियो में बना चुका हूँ, एक बार सर्च करना बीम्स वेबिनार बाय आकाश पांडे, आपको फुल एक घंटे का पूरा वीडियो ही मैंने बना के दे दिया है क्या होता है, पूरा डीप में जाके आप समझ सकते हो। अगर इतनी चीज़ अगर आपने प्रिपरेशन कर ली है, मोटे मोटे चीज़ें हैं, इतनी चीज़ प्रिपरेशन कर ली, साथ ही एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना लिया, पोर्टफोलियो भी मैंने बनाना कुछ यूट्यूब पर बताया हुआ है, आप सर्च कर लो पोर्टफोलियो बाय आकाश पांडे, आपको सैंपल मिल जाएगा, प्लस कैसे बनाते हैं वो टेक्निक मिल जाएगा। तो पोर्टफोलियो, बीम 360, प्लान, सेक्शन, एलिवेशन। ठीक, अब इसके बाद छोटी छोटी चीज़ें हो तो लाइटिंग है, आपको पता ही होगा लाइटिंग कैसे करते हैं रैबिट के अंदर, वॉक थ्रू कैसे बनाते हैं, रेंडर कैसे, कहाँ रेंडर से याद आया, अगर रेंडर आप कर रहे हैं रैबिट में तो रैबिट में आपका बेहतरीन रेंडर नहीं आता है, राइट, तो उसके लिए आप इनस्केप यूज करिए। इनस्केप भी आप सीख के जाएंगे तो कंपनी आपको प्रीफ्रेंस दे सकती है, इवन अगर उसके कंपनी में इनस्केप यूज होता है तो पहला प्रीफ्रेंस आप ही हो सकते हैं। इनस्केप छोटा सा प्लगइन है, getintopc.com से डाउनलोड कर लो, अपने लैपटॉप में आराम से रैबिट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा और बेस्ट चल जाएगा। कैसे इंस्टॉल करना है getintopc पर वो भी दिया हुआ है, तो भाई इनस्केप जरूर सीख लेना। तो ये छोटी छोटी चीज़ अगर आपने सीख लिया है तो आप और रैबिट फैमिली में पैरामेट्रिक वाला जो फैमिली है बहुत अच्छे से सीखना, क्योंकि डेफिनेटली कोई भी चीज़ बनाना है, कोई भी एलिमेंट बनाना है तो कंपनी या तो परचेस करेगी या फिर कहेगी कि आप रैबिट फैमिली पर बना लो। अब अगर कंपनी परचेस करेगी तो कितने ब्लॉक्स परचेस करेगी, तो बेटर है वही बोलेगा कि बना लो। तो आपको रैबिट फैमिली में पैरामेट्रिक फैमिली बनाना जरूर आना चाहिए, बाकी मटेरियल वगैरह तो आपको पढ़ के ही जाना है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो यही है कि इनस्केप का नॉलेज होना चाहिए, बीम 360 का नॉलेज होना चाहिए, पॉइंट क्लाउड का नॉलेज होना चाहिए, एलओडी का नॉलेज होना चाहिए, 2D 3D 4D 5D 6D 7D का नॉलेज होना चाहिए और साथ ही साथ प्लान, सेक्शन, एलिवेशन का। इतना आपने सीखा हुआ है, आप धक्काड़े से जाइए बीम मॉड्यूलर की जॉब आप क्रैक करके आएंगे 110%।
चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज. आपने पूछा था तो मैंने आंसर किया. अगर आप आगे भी पूछते हैं तो उसके लिए कमेंट करिए, सो दैट कि उससे रिलेटेड टॉपिक्स आपसे डिस्कस किया जाए. प्लस किसी ने इंटरव्यू में दिया है रैबिट मॉड्यूलर का, तो उससे जो पूछा गया था जो वो नहीं बता पाया था वो पूछ सकता है यहाँ पे, सो दैट कि मैं आगे की वीडियोज में उसको कवर कर दूँ. आपका कमेंट हमें बताता है कि यस, आप क्या सीखना चाहते हो, किसके बारे में जानना चाहते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज. जय हिंद, जय भारत.